फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायरिंग करने के लिए पाइप फिटिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर फिटिंग किस तरह की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के स्टूडियो में हम समझ लेते हैं। एवं दीवार में हमें झीरी किस तरह से करना हो ताकि जब हम वायर डालें तो वायर का यूज़ कम से कम हो, तो इसलिए प्रॉपर झीरी किस तरह से की जाती है यह भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, दीवार में हमने ऑलरेडी झीरी कर रखी है और छत में दो बैंड दिए हैं, क्योंकि नीचे यहाँ पर जो हमारे पास स्विच बोर्ड लगाया जाएगा वो 18 वे स्विच बोर्ड लगाया जाएगा और 18 वे स्विच बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हाफ वायर होते हैं, इसलिए हमने दो बैंड दिए हैं छत में। अब सर्किट वायर लाने के लिए देखिए, हमने यहाँ पर झीरी की है, यहाँ पर भी एक स्विच बोर्ड आएगा जो कि 12 वे स्विच बोर्ड आएगा, तो यहाँ से दोनों स्विच बोर्ड के सर्किट वायर जो कि हमारे पास छत में आएंगे, तो छत से सर्किट वायर लाने के लिए हमने दीवार में झीरी की है। दीवार में झीरी करने से क्या होगा, हमारे पास जो वायर है वायर का यूज़ कम से कम होगा। यदि हम सर्किट वायर छत से लेकर जाते तो ज़्यादा वायर का यूज़ होता, बट हमने सर्किट वायर लाने के लिए दीवार में झीरी की है ताकि वायर हमारा कम से कम यूज़ हो। देखिए, यहाँ पर छत में चूंकि दो बैंड है तो दो बैंड से दो पाइप आएंगे, तो यहाँ पर हमें 2-way डब्बी को रखना होगा ताकि हमारे वायर आसानी से खिंचा सके। देखिए, यहाँ पर दो पाइप आएंगे तो इसके लिए झीरी जो हमने की वह हल्की सी मोटी की है ताकि दो वायर आसानी से हमारा आ सके। देखिए, यहाँ पर सभी हाफ वायर यहाँ पर आ जाएंगे। यदि मटेरियल की बात की जाए, क्या क्या मटेरियल यूज़ होगा, तो मटेरियल को भी आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये 18-way स्विच बोर्ड बॉक्स है। देखिए, यहाँ पर 18-way स्विच बोर्ड लगाया जाएगा और यह हमारे पास एक 12-way स्विच बोर्ड बॉक्स है। देखिए, ये 12-way स्विच बोर्ड बॉक्स है। इसी तरह से 8-way स्विच बोर्ड बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, देखिए यहाँ पर चार यहाँ पर कनेक्टर दिए गए हैं, जिसमें चार कनेक्टर दिए जाते हैं वो 8-way स्विच बोर्ड बॉक्स होता है, और जो 6-way बॉक्स होता है इसमें देखिए आमने सामने दो कनेक्टर दिए जाते, यही मेन डिफरेंस होता है 6-way और 8-way बॉक्स में। देखिए, यहाँ पर दो कनेक्टर्स दिए गए हैं। ये हमारे पास 3-way बॉक्स है, इसमें एक सॉकेट 5-pin सॉकेट और एक स्विच लगाया जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास एक 2-way, दैट मीन्स इसमें एक 5-pin सॉकेट आप लगा सकते हैं या दो स्विच लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास 2-way डब्बी है। जैसा कि हमारे पास छत से दो बैंड आए हैं तो दो बैंड के लिए दो पाइप आएंगे, तो 2-way डब्बी का यूज़ करना है। जहाँ पर तीन तरफ हमारे पाइप जाते हैं यह 3-way डब्बी का यूज़ होगा वहाँ पर। यह हमारे पास 4-way डब्बी है, यदि ऊपर से भी दो पाइप आए नीचे भी दो पाइप जाएगा तो 4-way डब्बी का यूज़ होगा। यह हमारे पास बैंड है, जहाँ पर भी लाइन को टर्न करना होता है बैंड का यूज़ किया जाता है। यह फ्लेक्सिबल पाइप, जहाँ पर हमारे पाइप नहीं जाते हैं वहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप डालकर हमें पाइप को आसानी से कनेक्ट करना होता है। यह हमारे पास PVC पाइप है जिसमें हमारे सभी वायर्स अंदर रहेंगे। चलिए, अब किस तरह से हमें लाइन को मिलाना होगा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले 2-way डब्बी को रखा है। 2-way डब्बी में देखिए ऊपर से दो पाइप आएंगे। सबसे पहले पाइप को ज्वाइंट किस तरह से किया जाता है अब इसे समझ लीजिए। देखिए, पाइप को अभी हमने ऊपर ज्वाइंट किया है और यहाँ पर कभी करीब डब्बी से पौन इंच, आधे से पौन इंच ज़्यादा हमें काटना होता है ताकि डब्बी में आसानी से बैठ सके। देखिए, एकदम प्रॉपर फिटिंग हुई है ये। अभी यहाँ पर देखिए बैंड हमारा टर्न है, बैंड यदि टर्न है तो यहाँ पर पाइप हमारा नहीं लगेगा, तो इसके लिए हमने फ्लेक्सिबल पाइप को लगाया है। अब फ्लेक्सिबल पाइप में हम PVC पाइप को अटैच कर देते हैं। देखिए, इस तरह से हमारा पाइप अटैच हो चुका है, इसे भी हमें डब्बी में लगा देना है। चलिए, देखिए दोनों ही पाइप हमारे पास जंक्शन बॉक्स में या डब्बी में आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए लाइन हमारी 90 डिग्री टर्न होगी, तो उसके लिए बैंड लगाया जाएगा। तो बैंड के लिए देखिए हमने एक लाइन तो यहाँ से हम मिला लेंगे। देखिए, आसानी से मिल जाएगा क्योंकि डब्बी में दो यहाँ पर इस तरह से नहीं है होल, तो इसके लिए हमने डब्बी को खाँचा है नीचे से, और डब्बी को खाँचने से नीचे से डब्बी में हमने एक होल किया है और होल से हम इसे मिला लेंगे। इससे क्या होगा, आसानी से हमारे जो वायर्स है इसमें वायर्स खिंचाने में आसानी रहेगी। देखिए, डब्बी को नीचे से हमने काट लिया है और इसे इस तरह से मिला दिया है। देखिए, डब्बी हमारी मिल चुकी है। यहाँ से दोनों पाइप नीचे चले जाएंगे। पाइप को फिट करने के लिए हमने सैंटिंग कील का यूज़ कर लेना है। चलिए, सैंटिंग कील की सहायता से सभी पाइप को हमें फिट कर देना है ताकि पाइप हमारे दीवार से नहीं निकले। चलिए, दोनों ही हमारे पास पाइप को अभी हम फिट कर लेते हैं अच्छे से। अभी यहाँ से देखिए दोनों पाइप हमारे पास 18-way स्विच बॉक्स में आएंगे, तो स्विच बॉक्स के लिए यहाँ पर हमें दीवार में इसे खींचना होगा सबसे पहले। चलिए, आप कटर की सहायता से भी दीवार को छील सकते हैं। अभी हम इसे डायरेक्टली
देखिए यहाँ पर दीवार को खाँच लिया है हमने, आपको दीवार को इस तरह से खाँचना है ताकि आपका जो बॉक्स है वो एकदम प्रॉपर फिट हो सके। चलिए अभी हम इस बॉक्स को अच्छे से खाँच लेते हैं और इसे यहाँ पर फिट कर देते हैं। देखिए इसने एकदम प्रॉपर फिट होना चाहिए, ज़रा भी बाका नहीं हो इसका आपको ध्यान रखना है, इसने एकदम लेवल में होना चाहिए। अभी इसे देखिए यहाँ पर हम करीब पाइप जो रहेगा 2 से 2.5 इंच हमें अंदर रखना है स्विच बॉक्स में। देखिए दोनों ही पाइप को भी हमें लेकर आ जाना है और दोनों ही पाइप को करीब 2 से 2.5 इंच अंदर हमें रखना है स्विच बोर्ड में। देखिए अभी हमने दोनों ही पाइप को अंदर ले लिया है। अभी सर्किट वायर के लिए, क्योंकि सर्किट वायर हमारा दूसरे स्विच बोर्ड से आएगा, सर्किट वायर के लिए एक पाइप हमें दीवार से मिलाना होगा यहाँ से। देखिए यहाँ से दोनों ही स्विच बोर्ड के जो सर्किट वायर रहेंगे जो ऊपर से आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सर्किट वायर के लिए देखिए एक बेंड हमने लगाया है पाइप में और इसे भी हमें स्विच बोर्ड में डाल देना है। देखिए आप किसी भी तरह से दीवार में पाइप डाल सकते हैं, बस आपका मोटो यह रहता है, उद्देश्य रहता है कि कम से कम आपके पाइप वायर का यूज़ हो। दीवार में आप झीरी ज़्यादा कर दीजिए बट वायर का यूज़ कम से कम होना चाहिए। देखिए 3 पाइप आ चुके हैं, 2 हाफ के लिए और 1 सर्किट के लिए। अभी यहाँ पर देखिए हमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन आएगा, तो एग्जॉस्ट फैन के लिए भी हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ देना है, एक डब्बी यहाँ छोड़ रहे हैं ताकि आगे चलकर हम यहाँ पर एक पॉइंट दे सके, या तो CFL लगा सके या एग्जॉस्ट फैन लगा सके। तो एग्जॉस्ट फैन के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ देना है। चलिए एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट हो चुका है, यहाँ पर एक बैंड लगा कर लाइन को टर्न कर लेना है। दोनों ही स्विच बोर्ड को अभी हमें मिलाना होगा। देखिए इस तरह से अभी हम मिला लेते हैं बैंड को और पाइप में अभी हम सैंटिंग कील की सहायता से पाइप को फिट कर देते हैं। अभी यहाँ पर इस लाइन को हमें मिला लेना है। देखिए इस तरह से पाइप को आप फिट करते चलिए। देखिए अभी हमारे पास ऊपर से जो सर्किट वायर आएगा, सर्किट वायर यहाँ से जो आएंगे वो सर्किट वायर, और यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट रूम में सर्किट वायर चले जाएगा, तो उसके लिए बैंड वहाँ पर दिया है। चलिए अभी हम इसे बैंड लगाकर इस पाइप को पहले जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ से इस लाइन से क्या होगा, हमारे पास जो 12 वे बॉक्स में जो सर्किट वायर आएंगे वो 18 वे स्विच बोर्ड में चले जाएंगे। यहाँ से मेन हमारे पास सर्किट वायर आएंगे जो कि MCB बॉक्स से आएंगे। चलिए MCB बॉक्स से जो सर्किट वायर आएगी वो इस लाइन के ज़रिए आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक डब्बी डाल देना है क्योंकि छत में भी हमारे पास कुछ पॉइंट है, तो उसके लिए भी यहाँ से इस लाइन को अभी हम देखिए इस लाइन को जो उस तरफ जाएगी यहाँ पर मिला लेते हैं ताकि नेक्स्ट रूम में भी सर्किट वायर यहाँ से जा सके। चलिए इस तरह से नेक्स्ट रूम में सर्किट वायर के लिए लाइन को अभी हम मिला रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बैंड दे देना है और इसकी फिटिंग आपको प्रॉपर करना है। फ्रेंड्स आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। देखिए आप किसी भी तरह से दीवार में पाइप डाल सकते हैं, बस आपको इस तरह से डालना है कि आपके वायर का यूज़ कम से कम हो, और दीवार में आप जितनी ज़्यादा झीरी करेंगे उतने ही आपके वायर कम से कम यूज़ होंगे। देखिए इस तरह से इसे हमें मिला देना है। चलिए यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट रूम में भी सर्किट वायर, आगे का जो रूम है वहाँ पर भी सर्किट वायर पहुँच जाएंगे। अभी इस लाइन को हमें स्विच बोर्ड में लेकर आ जाना है, इसके लिए 12 वे बॉक्स लगाया जाएगा। तो पहले हम इस 12 वे बॉक्स को फिट कर लेते हैं। चलिए 12 वे बॉक्स की पहले हम फिटिंग कर लेते हैं दीवार में। देखिए आप इस तरह से पहले होल करके इस 12 वे बॉक्स को, यदि आपके पास कटर मशीन हो तो कटर मशीन का भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास ये जो दीवार है वो 4 इंच दीवार है, तो 4 इंच दीवार होने के चलते हमें यहाँ पर इस दीवार को खींचना पड़ रहा है। यदि यह दीवार 9 इंच की होती तो फिर हमें यहाँ पर कटर मशीन की सहायता से दीवार को छीलते और उस बॉक्स को फिट करते। चलिए यहाँ से देखिए ऊपर से हमारे पास जो मेन सर्किट वायर आएंगे इस स्विच बोर्ड में आ जाएगा। अब इस स्विच बोर्ड से हमें सर्किट वायर, देखिए नेक्स्ट जो स्विच बोर्ड है वहाँ पर भी लेकर जाना है। तो मिलाने के लिए देखिए एक पाइप हमने और लगा लिया है, तो दोनों ही पाइप देखिए अभी हमें 12 वे बॉक्स में एंटर कर लेना है। देखिए एक पाइप से हमारे पास सर्किट वायर MCB बॉक्स से आएगी और दूसरे पाइप के सहायता से हमारे पास सेकंड स्विच बोर्ड में यह चले जाएंगे। इसे आपको प्रॉपर फिट करना है। देखिए स्विच बॉक्स जरा सा भी बाका ना हो इसका आप ध्यान रखिए, इसे प्रॉपर आपको फिटिंग करना है। देखिए हमारी लाइन बन चुकी है, यहाँ से देखिए दोनों पाइप की सहायता से 18 वे स्विच बोर्ड में जितने भी हमारे पास हाफ वायर है वो हाफ वायर यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने डब्बी दी है ताकि वायर खींचने में हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं रहे।
सभी हाफ वायर यहाँ पर आ जाएगा। सर्किट वायर के लिए हमने एक लाइन यहाँ पर अलग से बनाई है। देखिए यहाँ से सर्किट वायर यहाँ पे एक एग्जास लगेगा, तो एग्जास के लिए डब्बे हमने अलग से दी है। यहाँ पर दोनों ही स्विच बोर्ड के जो सर्किट वायर रहेगा वो छत से यहाँ से आएंगे और यहाँ से नेक्स्ट रूम में भी सर्किट वायर चले जाएंगे। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो इलेक्ट्रिक वायरिंग करने के लिए दीवार में पाइप फिटिंग किस तरह।